चर्चा करते हैं, जो बिहार ये केवल बिहार को नहीं मिलता है, नहीं नहीं ये जो बिहार का हिस्सा होता है, हर जो है से ये बिहार, ये भारत सरकार का बजट बनता है उसमें हर राज्य का हिस्सा होता है। रंजन जी पटेल जी आप सुनिए, वो वह जो आप जिस हिस्से की बिहार पर कोई कृपा आप नहीं कर रहे हैं, जिस हिस्से की बातें कर रहे हैं वो हिस्सा अलग से आपको मिला। वह जो मैंने अभी बताया आंकड़ा आपको दिया 39,000 करोड़ रुपए जो केंद्रीय सहायता की राशि आपको मिलती है वो अलग है। इसके अतिरिक्त यह जो मैंने राशि बताई थी वो किसको, केवल स्वास्थ्य के संबंध में तो पहले जो राशि आती थी, आप भी लालू की सरकार में आप सहयोगी थे, आपके साथ मिलकर के सरकार चल रही थी जो ऐसे उस समय आपकी सरकार केंद्र में थी, उस समय क्यों नहीं जो ऐसे ये खर्च हुआ, वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब केंद्र में थे, राजा की सरकार आपके केंद्र में थी, तो आप यही राशि जिसकी मैंने बताया कि आपको 1182 करोड़ रुपए केवल स्वास्थ्य के लिए दिया, उस समय आपका ये मिशन भी नहीं था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उससे पहले स्वास्थ्य के सिलसिले में आपकी सरकार, आपकी केंद्रीय सरकार यानी कि राज्य की सरकार केवल 765 करोड़ रुपए दी थी, उसके अवज में हमने आपको 1182 करोड़ की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट अब आपको रोक रहा हूँ मैं, जावेद महमूद साहब, नहीं केवल प्रेम रंजन जी प्लीज, आप एनडीए की सरकार थी और एम्स का निर्माण जो है से करने का जो है से यहाँ दिया, यहाँ उस समय जो है से शिलान्यास हुआ पटने के अंदर में, और आज तक 5 साल UPA 1 रही, उसके बाद UPA 2 जो है से 1.5 साल, आज तक जो है से उस अस्पताल का निर्माण क्यों नहीं हुआ जो है से, आप बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है से काम कर रहे हैं, बिहार में करना चाह रहे हैं, राशि दे रहे हैं, शाखा है पटना का। मेरे ख्याल से मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा। जावेद महमूद साहब, आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत संक्षेप में जावेद साहब ये बताइए, इतनी सारी योजनाएं थी, जननी बाल सुरक्षा योजना, मुफ्त दवा योजना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में 4 की जगह 7 डॉक्टर और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, तीसरे पॉइंट पे मैं रुकना चाहता हूं। देखिए जी, अनिल जी जो बार बार कह रहे हैं, अनिल जी भी छोड़ दीजिए, नहीं मैं आपकी इनकी बात जो पटेल जी नहीं कह पाए हैं, मैं आपको बता दूं कि 2000 से लेकर के 2005 तक जी बिहार में जो सरकार चल रही थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर शकील साहब, वो लगातार स्वास्थ्य मंत्री थे। अनिल सुलभ जी को भी बताना चाहिए कि 5 साल का जो पीरियड था बिहार में क्या हुआ, तब हमसे पूछिए कि हमने 5 साल के बीच में क्या किया। और नंबर दो, जो केंद्र सरकार से जो राशि आती है तो ऐसा नहीं है कि 100% केंद्र सरकार देती है, उसमें राज्य का भी कोटा होता है, राज्य सरकार भी मिलाती है। पहले क्या होता था, सवाल दूसरा था, मैं दरअसल आप लोग पार्टी लाइन पे उलझ जा रहे हैं, मेरा सवाल दूसरा, एक अनिल जी आप सुनिए, एक सवाल मेरा बहुत सीधा सवाल था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में 4 की जगह 7 डॉक्टर और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा। देखिए प्राथमिक जो केंद्र है जी, कल जो है अभी पटेल जी ने कहा कि 39 थे अब 5000 हो गए हैं, कल तक जो है प्राथमिक जो केंद्र था, स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र था, वहां पे कोई मरीज जा ही नहीं करता था, इसलिए कि ना वहां डॉक्टर था, ना वहां इलाज था, ना कुछ था। आज कम से कम ये 5 साल में तो ये तो हुआ कि वहां मरीज भी जा रहे हैं, डॉक्टर संख्या की बात जितनी भी कम हो, डॉक्टर भी रह रहे हैं, संख्या नहीं, हमारा तो प्रोग्राम है, हम आगे हम आपको बतावेंगे कि हमने 5 साल के बीच में कितने लोगों का अपॉइंट किया है, कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, कितने भवन का निर्माण कराया है, सारी बातों का हम आपको आगे बताएंगे, आगे हम आपसे हिसाब लेंगे। रामबंधन राय जी आप बताइए, 15 साल बनाम 5 साल बिहार की सेहत का सवाल है, कितना ख्याल आपने रखा, इन्होंने उन ख्यालों को और दुरुस्त किया या फिर आपके ख्यालों को ही साथ दिया? देखिए प्रेम रंजन पटेल जी, जावेद साहब, सब लोग हम लोग साथ काम किए, एनडीए से मेरा ताल्लुकात रहा है। अभी जो सरकार है वो बिल्कुल फर्जी सरकार है, और आंकड़ा ही बता रहे हैं कि रोज लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गांव का जो गरीब आदमी होता है, जिसको अपनी कोई औकात नहीं होती, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता, बड़े लोग सर्दी खांसी के इलाज भी बड़े हॉस्पिटल में कराते, दिल्ली और बम्बई में कराते। चलिए कोई नई जानकारी नहीं है अब तक से, थोड़ा लाइए सामने। लेकिन हम एक बात कहते हैं, जो एक बीमारी लोकेट हुआ कोई गरीब का जी, और उसको 10 टेबलेट में ठीक हो जाएगा,
तो ये प्रतिदिन एक टैबलेट देते हैं, रोज इंट्री उसी मरीज के करते हैं, रोज उसी मरीज के करते हैं, एक दिन यदि उसको बीमारी छूटने के लिए 10 टैबलेट दे देगा तो बेचारा निश्चिंत हो जाएगा। एक टैबलेट लाने के लिए वो घर से रिक्शा से लेके आता है, जितना टैबलेट की कीमत है उससे अधिक उसको भाड़ा लग जाता है। ये तो मैं एक बात बताइए, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए रामदन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं, आप सुनिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये दुनिया में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है घर घर जाकर दवाई बांटी जाए, पहली बात। दूसरी बात, एक जगह बनाई गई, ये एक स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सा केंद्र है, वहाँ कोई भी जाकर मुफ्त अपनी चिकित्सा करे, वहीं जाकर दवाई लेनी होगी, चाहे आप रिक्शा से आइए या मोटरसाइकिल से। आपने मेरी बात को समझा नहीं। हाँ, जब हम जानते हैं कि ये बीमारी 10 टैबलेट में ठीक हो जाएगा तो रोज दिन एक एक टैबलेट बोला है कि एंट्री क्यों करते हैं, 10 टैबलेट एक बार क्यों ले देते हैं, घर में रहकर खा लेगा। मेरा सवाल ये है रोज एंट्री होगा, आंकड़ा बढ़ जाएगा। रंजन पटेल जी अभी कहा कि इतनी महिलाओं का डिलीवरी हो रहा है हॉस्पिटल में, इन्हीं के जिला में नालंदा में एक महिला को 3 महीना में 13 बार ये करा दिया इन्होंने बच्चा पैदा। यही सरकार, इनकी फर्जी सरकार है, जो भी आंकड़ा इनके द्वारा आ रहा है सारा का सारा फर्जी आंकड़ा है। दल में आप गए हैं, आप गए हैं, वही आंकड़ा। मेरे ख्याल से नहीं, सुनिए, आपकी बात हो गई पूरी। नवल किशोर जी, जाने दीजिए जनता के, एक बार राम मदन जी, आपकी बात जनता सुन रही है, देख रही है, लेकिन पूरा वक्त आपको मैं नहीं दे सकता। एक बार प्लीज, नवल किशोर जी हमारे बीच मौजूद हैं तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ। मैं नवल किशोर जी से आग्रह करूंगा मैं कि तस्वीर क्या है, सूरत हाल क्या है। संजय जी, ये डॉक्यूमेंट बिहार सरकार का है जी, आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 जी, जो बजट के पहले बिहार सरकार ने असेंबली में पेश किया है। इसका पृष्ठ संख्या 174, इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जी केंद्र से जो राशि प्राप्त हुई है उसका भी ब्यौरा है। चलो, वो बता और चुके बिहार सरकार का जी, नहीं बता चुके। अच्छा, आपको शायद ये जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है जी। इस आंकड़े में अगर डिटेल्स में आपको इंटरेस्ट नहीं भी हो तो भी ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं जी, बताएं। खासकर तब जब सुशासन की बात हम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2006-07 में भारत सरकार से NRHM के तहत 328.75 करोड़ रुपए बिहार सरकार को प्राप्त हुए, और उसी वर्ष बिहार सरकार ने 51.84 करोड़ अपनी तरफ से दिया, टोटल 380.59 है कुल व्यय उसमें 92, जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर का जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ वह यह प्राप्तियों के मुकाबले प्रतिशत उपयोग 24% ही इसका उपयोग बिहार सरकार ने किया है, दोनों स्रोतों से प्राप्त। ये दोनों स्रोतों से प्राप्त, मैं आपको जैसा मैंने बताया कि 328.75 करोड़ भारत सरकार से NRHM से मिला है, 51.84 बिहार सरकार का अपना पैसा है, और टोटल आपको जैसा मैंने बताया 380.59 टोटल खर्च हुआ है सिर्फ 92 करोड़ रुपया, 92.14% आता है 24.2%, और जो कि अनुमानित बजट का सिर्फ 16.1% है। अब अगर मतलब आप हम पांच वर्षों में जोड़ लें तो कितने परसेंटेज है हर साल का, मैं तो सिर्फ ने एक साल का नमूना दिया, ये आपको 6-7 का है फिगर 24%, उसके बाद का है 57.2, फिर 52%, फिर 44-45%, और अनुमानित बजट का। मेरी चिंता यह है कि यहां से भी पैसा हो, पैसा जब आता है स्वास्थ्य के लिए आता है, स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जीवन का। आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार की स्थिति बहुत खराब है, देश की स्थिति खराब है, ये हम खर्च नहीं कर पाते हैं, खासकर तब जब हम इतने पावरफुल ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करते हैं आज जिसके उनको हमने इतना अधिकार प्रदान किया है। एक सवाल आपसे तो चिंता की, मैं ब्रेक लेना होगा, बहुत छोटा सा एक सवाल कर रहा हूँ और जवाब चाहिए। टोटल यदि हम देखें कितना हमने एक्सपेंडिचर किया परसेंटेज में, हाँ, 5 वर्षों में, हाँ, कितना है? अब ये टोटल यहाँ योग आ रहा है आपको कुल व्यय 909 करोड़
स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय विहंगावलोकन 909.39 करोड़ इसके अनुसार है, जो प्राप्तियों के मुकाबले प्रतिशत उपयोग केवल 45% है, 50% से कम इसका उपयोग हुआ है, और बजटेड अमाउंट का ये 26.3% है। ये सरकारी आंकड़ा है। आगे हम चिंता की बात है, और हम आगे इस पर और गौर करेंगे, तहकीकात करेंगे, पड़ताल करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, शरीर के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जाहिर है सेहत यदि बिगड़ी हुई हो तो राज्य की सेहत कैसे ठीक होगी, कितना ठीक हुआ आगे और जारी रहेगी चर्चा अग्निपथ में। एक छोटा सा ब्रेक।